वो कहते हैं नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांच दया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। गाइस क्या बोलता है पब्लिक, कुछ नया सीखने को तैयार है? देन लेट द गेम बिगिन। सो अपन स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट शीट का अब नेक्स्ट फेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज। बट मैं एक बात कंफर्म करवा लूं पहले, क्या आप लोगों को ऑडियो वीडियो बराबर से आ रहा है? गाइस प्लीज एक बार कंफर्म कर देना यार, ऑडियो एंड वीडियो एकदम परफेक्ट आ रहा है, सुनाई दे रहा है सब लोगों को सही तरीके से? प्लीज कंफर्म। आयुषी बोल रही है ऑडियो वीडियो और वॉइस इज लो, ऐसा कुछ है क्या? वॉइस इज लो क्या? नहीं ना, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक के वॉइस इज लो। आप बताओ बराबर है ना, वॉइस बराबर है ना? यस वेरी प्रॉपरली लिख, वॉइस बराबर है कि नहीं? यस चलो। सो पहले वी विल डू द रिविजन जो भी अपन लोग ने लास्ट सेशन में किया था। Yes, it's perfect. Okay, perfect है, ठीक है, सही है। जो भी अपन लोग ने लास्ट सेशन में किया था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं एंड देन फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। क्या तुम लोग ने कुछ रिवाइज किया है? तुम लोग रिवाइज करके आए हो या सर आप करवाने वाले हो? ना सर, तो हम लोग कहाँ करके आए ये सब चीजें ऐसा है क्या? ठीक है कोई बात नहीं, मैं करवाने वाला ही हूँ, कोई गलत बात नहीं है उसमें। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑन दैट नोट, सो फोकस एवरीबॉडी। सो अपन लोग बना रहे हैं कॉस्ट शीट। डे वन पे मम्मी पापा ने अपने को बताया कि कॉस्ट शीट क्यों बनाना जरूरी है। वाई? फॉर अ सिंपल रीजन, बिकॉज कॉस्ट शुड बी सिस्टमैटिकली रिकॉर्डेड प्रॉपरली क्लासिफाइड इन अ स्टेटमेंट फॉर्मेट। इस कॉस्ट को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट कॉस्ट नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस है उन तीनों को मिला के बनता है प्राइमरी कॉस्ट, उसको प्यार से बोलते हैं अपन प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मिला के बनता है मेरा सेकेंडरी कॉस्ट, जिसको अपन प्यार से बोल सकते हैं ओवरहेड्स। अगर मैं मोबाइल फोन की बात करता हूं तो डायरेक्ट मटेरियल क्या है? मेरा बैटरी, मेरा स्क्रीन, जो आइडेंटिफाइबल है, जो टैंजिबल है। हो सकता है कि आप बोलो कि बैटरी तो दिख नहीं रहा है, बट बैटरी को भी मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं प्रोडक्ट में, राइट? सो अगर उसका थोड़ा सा ओपन करूं मोबाइल को तो मुझे बैटरी भी दिख जाएगा, स्क्रीन तो दिख ही रहा है। डायरेक्ट लेबर वर्किंग इन द फैक्ट्री, डायरेक्ट एक्सपेंस का मैंने एग्जाम्पल दिया था। एक मोबाइल बनाने के लिए 2 लीटर ऑयल चाहिए, तो 10 मोबाइल बनाने के लिए 20 लीटर ऑयल चाहिए। अब आप बोलोगे ऑयल तो मटेरियल है सर, अग्रीड, बट क्या ये आइडेंटिफाइबल एंड टैंजिबल है प्रोडक्ट में? नहीं। मेरा एक मोबाइल में कितना ऑयल यूज हुआ है कभी आपको दिखेगा भी नहीं, कभी आपको पता भी नहीं चलेगा। पर मेरे मोबाइल में बैटरी कितना यूज हुआ है, कहां पे है, वो आपको दिखेगा, आइडेंटिफाइबल है। दैट इज हाउ यू बाइफरकेट डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। एवरी डायरेक्ट कॉस्ट विच इज नॉट अ डायरेक्ट मटेरियल नॉर अ डायरेक्ट लेबर इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आया एवरीबॉडी? डन। सो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। या फिर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है, वो भी अपना डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। फिर मैंने डायरेक्ट कॉस्ट को प्रॉपरली बाइफरकेट करके तुम लोग को बताया था। इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मैंने बाइफरकेट करके बताया था। सो ये भी अपना अच्छी तरह से हो गया है। सो वी आर डन। सो टूल्स एंड स्पेयर्स, प्रिंटिंग स्टेशनरी में, ऑफिस है, फैक्ट्री, ऑल ऑफ दैट, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब अपन लोग ने एकदम डिटेल में कर लिया था। बाय द वे ये लेक्चर जो है वो आप लोगों को यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, सो कभी आपको रिकैप चाहिए तो वहां से भी आप लोगों को मिल जाएगा। गाइस फैक्ट्री ओवरहेड्स में मतलब क्या? फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज बेसिकली योर QRACP, क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट, रिसर्च डेवलपमेंट एडमिन रिलेटेड कॉस्ट, क्रेडिट फॉर रिकवरी इज लेस हो जाएगा एंड प्राइमरी पैकेजिंग। आज इन सब को एकदम डिटेल में खोद खोद के पढ़ना है, राइट? सो अपना कल डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एकदम डिटेल में हुआ था। डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मेट आप लोग मुझे बताएंगे फटाफट एवरीबॉडी देखे बिना। डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड में क्या जाता है? बोलो बोलो टेल टेल। सो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में आ जाता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरियज इनवर्ड्स प्लस और भी बहुत सारी चीजें फिर अपन लोग ने ऐड करवा दी थी, कैरियज इनवर्ड्स लेस सेल ऑफ रॉ मटेरियल स्क्रैप, ये लेस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, इंश्योरेंस रिलेटेड टू रॉ मटेरियल हुआ ऐड करो, ट्रेड डिस्काउंट हुआ लेस करो, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर मिलने वाला है और आपने रॉ मटेरियल में वो कॉस्ट ऐड किया है तो आप लेस कर सकते हो, और इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला है तो रॉ मटेरियल में वो कॉस्ट एडेड ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर डायरेक्ट लेबर में वेजेस, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ध्यान रखना, इंश्योरेंस स्कीम, पेड टू वर्कर इन द फैक्ट्री, उससे रिलेटेड जो भी चीज है सब आ जाएगी यहाँ पे, जैसे कि उससे रिलेटेड एंसिलरी कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, जो भी मतलब वेजेस, इंसेंटिव, अलावेंस, बोनस, एवरीथिंग विल बी अ पार्ट ऑफ दैट। डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, स्पेसिफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कॉस्ट, पावर रिलेटेड कॉस्ट, हायर चार्जेस जो है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, ऑल ऑफ दैट। सो इस तरह से अपन लोग का लास्ट सेशन कंप्लीट हुआ था, एंड अब अपन लोग आ रहे हैं अपने आज के सेशन पे। याद रखना डायरेक्ट एक्सपेंस में जो चीजें आती है वो बहुत पिक्यूलियर है। सो जैसे कि रॉयल्टी, वो अपना डिस्कशन हुआ है, रॉयल्टी फॉर प्रोडक्शन या रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो मैंने मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल दिया था, टेक्निकल नो हाउ वाली चीज है, ऑल ऑफ दैट। यस, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। डायरेक्ट एक्सपेंस में और स्पेसिफिक डिजाइनिंग कॉस्ट, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कॉस्ट, कोई पावर रिलेटेड कॉस्ट हुआ, मशीन लिया आपने उसको हायर पे मशीन लिया तो हायर चार्जेस पे कर दिया, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड, ये सारी चीजें विल बिकम अ पार्ट ऑफ माई डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ रहा है अपने को? डन 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 डन। अब अच्छा, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड याद है ना, मोल्ड बनाया, से फॉर एग्जाम्पल ये कैलकुलेटर बनाने के लिए एक मोल्ड बनाया, वो मोल्ड मेरा 5 साल तक चलेगा, उस मोल्ड बनाने का कॉस्ट है 1 लाख, अब वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमोर्टाइज डेप्रिसिएट होते रहेगा, तो वो इधर डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा, सिंपल। मशीन होगा तो उसका डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा, सिंपल। चलो अब आ रहे हैं अपन लोग फाइनली किसके ऊपर? करेक्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर। यस, वी आर नाउ कमिंग टू द इनडायरेक्ट कॉस्ट। चलो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। सो इनडायरेक्ट कॉस्ट में तीन ओवरहेड्स होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एंड जनरल एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। पहला है फैक्ट्री ओवरहेड्स, आइए शुरू प्रैक्टिकली समझो। मेरा फैक्ट्री है, ठीक है, ये मेरा फैक्ट्री है, फैक्ट्री का नाम है एस के फैक्ट्री। यहां पे मैंने मेरे को से ये कैलकुलेटर बनाना है। अब ये कैलकुलेटर बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? प्लास्टिक चाहिए, तो मैंने प्लास्टिक ऑर्डर किया। किसके पास से? सप्लायर के पास से। सप्लायर ऑफ प्लास्टिक सप्लायर मेरे को भेजेगा। अब मैं ये सप्लायर से प्लास्टिक मंगवाऊंगा मेरी फैक्ट्री में। अब मैं ये प्लास्टिक सप्लायर से प्लास्टिक मंगवाऊंगा मेरी फैक्ट्री में, बराबर है। अब यहां पे जब ये फैक्ट्री में आ जाएगा ना, ये मशीन के ऊपर रख देंगे और यहां पे ये रॉ मटेरियल यूज होगा, यहां पे ये रॉ मटेरियल यूज होगा किसके लिए? यहां पे ये रॉ मटेरियल प्रोसेस होगा और फिर ये प्रोसेस होके बनेगा फिनिश्ड गुड। ये वाला जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है ना, इसके लिए जो भी खर्चा होने वाला है, इसके लिए जो भी खर्चा होने वाला है, इसके लिए जो भी कॉस्ट इंकर होने वाला है, इज ऑल कॉल्ड एज बेटा, इज ऑल कॉल्ड एज बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स, इज ऑल कॉल्ड एज बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइस? डन। अब इसमें क्या क्या आएगा? ये मेरा जो पूरा का पूरा मशीन है, इसमें जो काम हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, इसका मेन क्या है, ये कहां पे रखा है? फैक्ट्री पे रखा है, तो फैक्ट्री रेंट। ये जो रॉ मटेरियल बराबर प्रोसेसिंग कर रहे हैं कि नहीं लेबरर, उसको देखने के लिए एक आदमी चाहिए, फैक्ट्री
फैक्ट्री सुपरवाइजर कॉस्ट, ये जो मशीन है इसका मेंटेनेंस, इसका डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज ये मशीन ही प्रोसेस कर रहा है. सो मशीन से रिलेटेड हुआ ये मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री ओवरहेड्स. समझ में आ रहा है आप लोगों को सब चीजें गाइस? अब मशीन को अगर कोई खराब हो गया तो उसको ठीक करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए, कुछ स्पेयर्स चाहिए, इनडायरेक्ट मटेरियल ये मशीन को यूज करने, मशीन को बराबर चलाने के लिए चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स. समझ रहे हैं ना यार एवरीबॉडी? अब कई बार क्या होता है कि जो सप्लायर भेजता है ना ये प्लास्टिक, तो सीधा मशीन के ऊपर ना जाके एक स्टोर में हम लोग इसको रखते हैं, इसको हम लोग स्टोर में रखते हैं ये रॉ मटेरियल, इमीडिएटली जरूरी नहीं ना प्रोसेसिंग चालू करें. तो जब आप ये स्टोर में रख रहे हो ना, तो ये स्टोर से रिलेटेड जो कॉस्ट है ना वो भी कहां पे जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स. समझ में आ रहा है आपको एवरीबॉडी? तो स्टोर रिलेटेड कॉस्ट, स्टोर मैनेजर सैलरी, ये सब. स्टोर क्या होता है? रॉ मटेरियल आया, अगर वो मेरे मशीन पे नहीं गया प्रोसेसिंग के लिए, तो वो कहां पे जाएगा? स्टोर्स में जाएगा. तो स्टोर्स में जब उसको अपन लोग स्टोर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टोर रिलेटेड कॉस्ट. जैसे स्टोर का सुपरवाइजर, स्टोर का मैनेजर, वो सब जो कॉस्ट है ना, वो क्या हो जाएगा मेरा? फैक्ट्री ओवरहेड्स. समझे? फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा, आओ लिखते हैं, आओ लिखते हैं. ऑल इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंकर्ड इन द फैक्ट्री, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, मशीन का रिपेयर, मशीन का डेप्रिसिएशन, मशीन को कभी कभी कुछ हो गया तो ठीक करने के लिए टूल्स एंड स्पेयर्स, स्टोर में अगर स्टोर मैनेजर है तो स्टोर मैनेजर का सैलरी, ये सब मिला के, स्टोर मैनेजर का सैलरी, स्टोर मैनेजर का कोई कॉस्ट है, सब मिला के बनता है फैक्ट्री ओवरहेड्स. समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को यार? एवरीबॉडी बोलो ना, क्लियर? अब ये कहां पे ऐड होगा? सो पहले आएगा डायरेक्ट कॉस्ट, उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बन गया प्राइम प्राइम कॉस्ट. उसके नीचे आएगा ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स. जब ये फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके जो मिलता है उसको बोलता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. क्या बोलते हैं उसको? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. अब इस मशीन से जो भी देखो अब क्या हुआ होता है यहां पे, समझना प्रैक्टिकली. देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सप्लायर से रॉ मटेरियल आता है अपने पास, ये जाता है इधर फैक्ट्री में, ठीक है? फैक्ट्री में ये मशीन है, ये मशीन उसको प्रोसेसिंग करता है, मशीन इसको प्रोसेसिंग करता है. कभी कभी थोड़ा ये लोग स्टोर्स में भी रख देते हैं, वरना स्टोर से मशीन पे चले जाते हैं, सब ठीक है. यहां पे प्रोसेस होने के बाद जो चीज निकल के आती है उसको बोलते हैं WIP, वर्क इन प्रोसेस. फिर इसके ऊपर जब और फिनिशिंग का काम हो जाता है तो उसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स. तो मुझे एक बात बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद तुम लोग को आंसर देना है, जब तक तुम लोग आंसर नहीं बोलोगे लिखोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. फैक्ट्री में प्रोसेस होने के बाद जो मेरे को चीज मिलती है उसको क्या बोलते हैं? मैंने इधर लिखा है कहीं पे, रॉ मटेरियल आया उसको मशीन में प्रोसेस किया, प्रोसेस होके बाहर निकला तो सीधा फिनिश गुड बाहर नहीं निकलेगा, जो बाहर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? एक नंबर आयुषी, वी विल कॉल इट एज WIP, वर्क इन प्रोसेस. वर्क इन प्रोसेस. समझ में आया है आपको? डन? करेक्ट. तो अब मालूम है अपन लोग ने यहां पे मैंने यही उसमें लिख दिया, एक सेकंड नया बनाना पड़ेगा. मैंने कल वाले नोट्स में ही कंटिन्यू कर दिया, आज के नोट्स में जाएगा ना ये तो.
अब सुनो, कल मालूम है अपन लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जहां पे अपन लोग ने देखो डायरेक्ट मटेरियल के लिए क्या किया था, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो जैसे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करते, क्योंकि वो अपने पास ऑलरेडी पड़ा है तो अब वो उसको यूज करेंगे अपन लोग, बराबर है, उसमें से कुछ रख देंगे साइड पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वैसा ही कुछ होगा WIP के साथ। जब मैं WIP का काम स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास कुछ क्लोजिंग WIP भी तो पड़ा होगा, तो अब वो बन जाएगा ओपनिंग WIP। तो ओपनिंग WIP मेरे करंट वाले में ऐड कर दूंगा, उसमें से जो बच जाएगा वो हो जाएगा क्लोजिंग WIP, राइट। सो उसमें से थोड़ा मैं साइड पे रख दूंगा, वो मेरा क्लोजिंग WIP बनेगा। ये सब को मिला के बनता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। सर ये लास्ट में क्या बोला, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, समझ में नहीं आया, आओ दिखाता हूँ, आओ दिखाता, ये रहा, ये देखो मेरा मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है, मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें क्या क्या आता है अपने को पता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब ऐड करके बनता है प्राइम कॉस्ट। ऐड बनता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, बनता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या चीजें आती है, फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। ये सब मिला के ऐड करके बनता है मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, बट अपने को चाहिए नेट फैक्ट्री कॉस्ट। उसके लिए ऐड ओपनिंग WIP, जैसे अपन लोग ने ओपनिंग द रॉ मटेरियल ऐड किया था ना, राइट, लेस कितना क्लोजिंग WIP बच गया है उतना लेस कर देंगे, बचा क्या, अब मेरे पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट बचता है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट बचता है। समझ में आया आप लोग को एवरीबॉडी? सो ये मेरा कॉस्ट शीट का, इनडायरेक्ट कॉस्ट का मेरा सबसे फर्स्ट पार्ट यहां पे कवर हो गया। क्या कवर हो गया, प्राइम कॉस्ट तक तो मेरे सारे डायरेक्ट कॉस्ट आ गए, अब फैक्ट्री ओवरहेड, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट का फर्स्ट ओवरहेड है वो है फैक्ट्री ओवरहेड, वो मेरा पूरा आ गया। उस पे एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP करके मुझे मिल गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। याद रखना ये प्राइम कॉस्ट में ही चीजें एड लेस हो रही है, जो भी हो रहा है। तो अच्छा एवरीबॉडी, पहले आप लोगों को ये लिखना है और फिर बाद में ये लिखना है, चलो प्लीज राइट डाउन, पहले ये लिख लो, हो जाए तो डन बोल देना।
मैंने इतना सब बोल दिया और मालूम पड़ा कि वॉइस ही नहीं है। अब आ रहा है वॉइस? ठीक है। ओके, अब सुनो। आयुषी को मैं बोल रहा था, आयुषी का डाउट था कि सर हाउ डब्ल्यू आई पी ओपनिंग स्टॉक इज लेफ्ट, प्रोड्यूसर विल नॉट प्रोसेस एज रॉ मटेरियल ओनली इफ इट थिंक्स दैट देयर विल बी नो सेल। सुन सुन, अब इधर कैसे, ये जो कॉस्ट शीट बनता है ना, ये ओवर फॉर अ मंथ बनता है। तो सपोज 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का मेरा ये कॉस्ट शीट है, 30 अप्रैल को जो मैंने रॉ मटेरियल प्रोसेस किया और जो डब्ल्यू आई पी बना, से फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास डब्ल्यू आई पी रह गया है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये 30 अप्रैल को डब्ल्यू आई पी जो रह गया है, ये उस महीने का क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी। जब मैं 1 मई को वापस से स्टार्ट करूंगा तो ये जो क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है, ये ओपनिंग डब्ल्यू आई पी आ जाएगा। अब मैं ये ओपनिंग डब्ल्यू आई पी के ऊपर और प्रोसेसिंग करूंगा और उसके ऊपर फिनिशिंग करूंगा तो ये फिनिश गुड बन जाएगा। ऐसे ही पूरे मंथ में मैं और बहुत सारे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते रहूंगा। वो जो प्रोसेस होते होते मेरे पास जो मशीन में कुछ 30 मई को, 31 मई को वापस से कुछ प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल बच जाएगा, वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। उसको मैं साइड पे रख दूंगा, उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि पूरे साल में मेरा कितना प्रोसेसिंग डब्ल्यू आई पी का खर्चा हुआ है, ये सब ऐड करके। तो उतना मैंने रॉ मटेरियल प्रोसेस जो हो चुका है, जो डब्ल्यू आई पी है, जो मैं अब नेक्स्ट मंथ में उसको प्रोसेस करने वाला हूं, उतना मैंने साइड पे रख दिया, बाकी जो भी हुआ है वो ऐड कर दिया। समझ में आया क्या बेटा आयुषी? आपका डाउट क्लियर हुआ? बोलो बोलो, चल चल। सर देन वी हैव टू मेक मंथ वाइज, एग्जैक्टली, तो ये मंथ वाइज ही बनता है, देखना मैंने स्टार्टिंग में बताया था कल ही। एक सेकंड, देखना मैंने कल बताया था कि मंथ वाइज, 6 मंथ वाइज, ईयर वाइज ऐसे बनता है ये। तो ये मंथ वाइज ही बनता है। किधर गया, रुक जा, मैं वो ढूंढ रहा हूं। कॉस्ट शीट विल ऑलवेज बी मेड फॉर अ पार्टिकुलर ड्यूरेशन, वीक, 15 डेज, मंथ, ईयर, एटसेट्रा। समझ में आया आयुषी? तो ये चीज तो अपन लोग कल ही लिख चुके हैं। आयुषी प्लीज कंफर्म, अभी क्लियर? अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया है, अब अपन लोग का कौन सा है नेक्स्ट कॉस्ट वो बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सा है बताओ मेरे को जरा। बोलो बोलो, टेल टेल। याद रखो, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बताया था ना मैंने। याद आया ना? हाँ, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। चलो अब उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। अब अपन लोग कहाँ पहुंचे हैं? अपन पहुंचे हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट पे। बेटा इसको प्यार से नेट वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं। को प्यार से नेटवर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं। फिर इसमें अपन लोग करेंगे ऐड। क्या ऐड करेंगे? इन जनरल इसको मैंने नाम दिया है एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन।
स्पेसिफिक एडिशंस भी बोलते हैं इसको। स्पेसिफिक एडिशंस भी बोलते हैं इसको। एक समय हाँ, ये स्पेसिफिक एडिशंस में क्या क्या आता है? क्यू आर ए सी पी। अब इसको डिटेल में समझने का टाइम आ गया है। सबसे पहला है क्यू। क्यू के लिए मैंने बोला था इट इज व्हाट? इट इज क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट। इट इज क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट। अब बोलते हैं, बोलो क्या आएगा यहाँ पे क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट में? कॉस्ट इंकर्ड फॉर अपग्रेडिंग क्वालिटी, डेवलपिंग क्वालिटी, बेटर क्वालिटी। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये कैलकुलेटर है, तो ये अगर अच्छे क्वालिटी का बनाना है, मालूम है इधर लिखा हुआ होता है क्यू सी क्वालिटी चेक्ड, तो वो सब क्वालिटी के ऊपर खर्चा किया होता है। वो खर्चा कहाँ पे जाएगा? क्वालिटी रिलेटेड वाला। इधर समझ में आ गया? डन, लिखो। कॉस्ट इंकर्ड टू मेंटेन एंड अपग्रेड एंड अपग्रेड क्वालिटी इज कॉल्ड क्वालिटी कॉस्ट। क्यूसी क्वालिटी कॉस्ट। तुमने देखा वो होता है आईएसओ सर्टिफाइड, आईएसओ 9022, वो सब क्या है? वो पूरा क्वालिटी कॉस्ट ही है। आईएसओ 9022 अगर आपको चाहिए ना, देन इन दैट केस आपको उसके लिए क्वालिटी के कुछ पैरामीटर्स को गो थ्रू करना पड़ता है, उसके लिए कुछ कॉस्ट लगता है, उसको बोलते हैं क्यूसी क्वालिटी कॉस्ट। आईएसओ 9000 तुम लोग ने कहीं तो पढ़ा ही होगा, 9000 क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ISO mark, ये देखो ये रहा, ये था ना ISO mark, आए तो ISO 9000 certified NSSL। एग्जांपल लिखवा लूँ ये वाला। एग्जांपल ISO सर्टिफिकेशन ऑन गुड्स। तो अभी से कभी भी ISO सर्टिफिकेशन देखोगे ना तो याद करने का हो ये। हॉलमार्किंग फॉर गोल्ड, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्यू आर। आर में क्या आएगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो सिंपल है ये भी, जो R&D वाले कॉस्ट होते हैं वो यहां पे आ जाते हैं। क्यू क्या होते हैं R&D वाले? कॉस्ट टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट, कॉस्ट टू इनोवेट द प्रोडक्ट, ब्रिंग न्यू थिंग्स टू द प्रोडक्ट, ये सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाते हैं। सो लिखते जाओ फटाफट। कॉस्ट इंकर्ड टू इम्प्रूव और क्रिएट न्यू वर्जन्स ऑफ प्रोडक्ट, थ्रू R&D। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास आईफोन है, अब आईफोन का मालूम है ना, आईफोन सपोज आपके पास है 10, तो अब आईफोन 10 से आईफोन 11 जब उसको करना है, सो व्हाट विल इट डू? कैन आई से इट विल इंकर ह्यूज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट? एग्जैक्ट। एग्जैक्टली। सो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिंपल है, क्वेश्चन में दे दिया होगा, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट है ए का। ए है एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो फैक्ट्री में हो रहा है
इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन. आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली बताएगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है विच इज इंकर्ड फॉर प्रोडक्शन. ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एडमिन ओवरहेड इंकर्ड इन अ फैक्ट्री. इसका बेस्ट एग्जाम्पल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इन अ फैक्ट्री. डन. सी सी क्या है? सी इज बताया भाई क्रेडिट फॉर रिकवरीज. माल आ गया, रॉ मटेरियल अच्छा है, बट जब उसको मैं प्रोसेस कर रहा हूं ना अपने फैक्ट्री में, तब वो प्रोसेसिंग के टाइम पे खराब हो गया. मतलब ये प्लास्टिक आया, प्लास्टिक बहुत अच्छा है, जब मैं इसको ठीक कर रहा हूं तो ये एक बटन खराब हो गया, और इधर से जो ये रिमोट है उसका एक डेंट आ गया, ये कुछ अंदर घुस गया. अब मैं इसको बना ही नहीं पाऊंगा, तो इसको मैं बेच दूंगा भंगार वाले. तो वो जो WIP वाला, ध्यान रखना है, WIP वाला अगर गुड्स खराब हुआ तो वो इधर जब बेचेंगे तो जो पैसा आएगा वो इधर क्रेडिट फॉर रिकवरीज में आएगा. रॉ मटेरियल ही खराब आया और उसको अगर बेच के कुछ कमाया तो वो उधर का उधर ही एडजस्ट हो जाएगा, लेस क्रेडिट फॉर स्क्रैप, उधर का उधर ही एडजस्ट हो जाएगा. ये वाला इधर आएगा, समझे? क्रेडिट फॉर रिकवरीज. भंगार स्क्रैप से जो पैसा मिला बाय प्रोडक्ट. इसको मिसलेनियस इनकम भी बोल सकते हो आप. ठीक है, WIP प्रोडक्ट स्पॉइल्ड. स्पॉइल्ड ना, WIP प्रोडक्ट हा, एंड इनकम रिसीव्ड ऑन दैट. नेक्स्ट पी प्राइमरी पैकेजिंग. इसका भी कल एग्जांपल दिया था आप लोगों को बेटा. प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट, इसको आप लोग बोल सकते हो. अभी देख, मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है टूथपेस्ट का. ठीक है, एक बार इधर देखते हैं अपन लोग. टूथपेस्ट फॉर किड्स. आप मुझे बताओ अभी इसमें से प्राइमरी पैकेजिंग कौन सा हुआ और प्राइमरी पैकेजिंग कौन सा हुआ इसमें से और सेकेंडरी पैकेजिंग कौन सा हुआ, बताओ. ये लेफ्ट है वो राइट है, ठीक है ना? ऐसा बोलो ना, ये ब्लू है वो रेड है, रेड प्राइमरी हुआ या सेकेंडरी हुआ, और ये ब्लू है, ये वाला जो दिख रहा है ना इधर पास में ब्लू है, तो बोलो कौन सा प्राइमरी. नहीं, ऐसा लिखे हुआ था ब्लू प्राइमरी और सेकेंडरी, रेड प्राइमरी और सेकेंडरी. बोलो बोलो, चल चल. ब्लू सेकेंडरी, रेड प्राइमरी. समझ गए आप लोग? मैं क्या समझाऊं इधर, आप लोग समझ गए. एसेंशियल पैकेजिंग. सो पैकिंग एसेंशियल
फॉर द प्रोडक्ट टू बी यूजेबल, फॉर द प्रोडक्ट टू बी यूजेबल हो गया क्यू आर ए सी पी। जब ये सब को आप ऐड कर लेते हो ना बेटा, जब ये आप सबको ऐड कर लेते हो ना, तो आपको जो मिलता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जी हाँ, जब आप ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट में क्यू आर एसीपी एडलेस कर लेते हो ना, तो आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया आपको? सो देखो इधर, डीएम प्लस डीएल प्लस डीई प्लस एफओएच प्लस ओपनिंग डब्ल्यू आई पी लेस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी प्लस क्यू आर ए सी पी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सही बोल रहा हूं ना मैं? सही है। किसी को कोई डाउट क्यू आर ए सी पी में? अब मेरा फाइनल प्रोडक्ट आ चुका है, बधाई हो। जी हाँ, सो ये देखो, रॉ मटेरियल सप्लायर ने रॉ मटेरियल भेजा, मेरे फैक्ट्री के मशीन में आया, ये रॉ मटेरियल इधर मशीन में यूज होगा या फिर उसको मैंने स्टोर में रख दिया, स्टोर से मशीन पे जाएगा, अब ये यहाँ पे प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद इसके ऊपर टेस्टिंग किया जाएगा, रिसर्च डेवलपमेंट, कुछ नया चीज ऐड करना है वो करेंगे। देखो अब फॉर एग्जांपल आईफोन है, आईफोन का जो बेसिक बनना है वो तो उसको बनना ही है, अब उसमें क्या एडलेस करना है वो उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है, फिर उसका प्राइमरी पैकेजिंग हो जाएगा, एडमिन रिलेटेड टू ओवरहेड सब उसके ऊपर इनकर हो जाएंगे, तब बन जाएगा ये मेरा फिनिश्ड गुड्स। एंड इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अभी आपको क्या आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया ना, अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपन लोग क्या एड लेस करेंगे, जब डब्ल्यू आई पी था तो डब्ल्यू आई पी का ओपनिंग लेस, ओपनिंग एड और क्लोजिंग लेस किया, यहां पे भी वही चीज करने वाले हैं, एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सो ये जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर से आया है, अब मेरा प्रोडक्ट रेडी है, सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर मेरे पास कोई है तो एड कर दो, कुछ मैं जो अपने पास रख रहा हूं जो बिकने नहीं वाले हैं उसको मैंने लेस कर दिया, मुझे मिल जाता है समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मुझे मिल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ए समझ गए? डन। इस पे मैं ऐड करूंगा एडमिन ओवरहेड्स, जैसे कोई भी जनरल ऑफिस एक्सपेंडिचर, ऑफिस से रिलेटेड सारा एक्सपेंडिचर, जैसे ऑफिस से रिलेटेड आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, ऑफिस से रिलेटेड अगर ऑफिस का जो स्टाफ है उसको कुछ दे रहे हो वो ऐड करेंगे, ऐड करेंगे अपन लोग यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट डिलीवरी व्हीकल ये सब का काम हो जाएगा यहां पे। जब ये यहां पे ऐड हो जाएगा, वी विल गेट समथिंग एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस पे अपन एड लेस कर देंगे प्रॉफिट या लॉस जो भी है, फाइनली अपने को मिल जाएगा अपना सेल्स
एंड गाइज कॉस्ट शीट कंप्लीट। कैसा लग रहा है? मजाक मजाक में पूरा कॉस्ट शीट रेडी हो गया ना। बस अब सम्स करेंगे तो सम्स में तो क्या है, खाली नंबर्स उठा के डालना है, हो गया अपना कॉस्ट शीट डन। मस्त है ना? चलो ग्रेट। क्लियर एवरीबॉडी? वेस्ट वाइल प्रोडक्शन विच नो स्क्रैप देन वेयर टू ट्रीट। नहीं समझा मेरे को। अगर अगर तेरा कोई वेस्ट है और सपोज तूने, अच्छा क्वेश्चन है उसका, उस बोल रही है कि प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करने के बाद कोई चीज थोड़ा सा खराब हो गया और इतना खराब है कि इसको अपन स्क्रैप पे भी नहीं बेच सकते, तो कुछ नहीं करना है इसको, इग्नोर इग्नोर करना है उसको, कुछ नहीं कर सकते उसका। हाँ ये इधर एक और वर्ड लिखा है, देखो इधर, क्रेडिट फॉर रिकवरीज स्क्रैप, वो तो ठीक है, क्रेडिट फॉर बाय प्रोडक्ट्स भी लिखा है। ये बाय प्रोडक्ट क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ, एक पूरा चैप्टर ही है वैसे तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, बट फिर भी अभी एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ, डोंट वरी। AS2 इन अकाउंटिंग ऑन बाय प्रोडक्ट, वो मुझे नहीं पता, बट फिलहाल मैं मेरा कॉस्टिंग वाला AS कैसे यूज करना है बता देता हूँ। तो क्रेडिट फॉर रिकवरीज क्या होता है वो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्रेडिट फॉर बाय प्रोडक्ट्स क्या होता है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आओ देखो। बाय प्रोडक्ट्स क्या होता है पहले वो समझाना पड़ेगा आपको, क्या है बाय प्रोडक्ट। इस बाय प्रोडक्ट को बेचा तो जो भी पैसा मिला वो उधर जाएगा, क्रेडिट फॉर बाय प्रोडक्ट्स में, समझे ना, उतना माइनस हो जाता है। याद रखना ये बाय प्रोडक्ट जो है ना ये माइनस हो जाता है, बाकी सारी चीजें ऐड हो रही है, बाकी सारी चीजें ऐड हो रही है, बाकी सारी चीजें ऐड हो रही है, खर्चा बढ़ा रहे ये सब चीजें, क्रेडिट पैसा आएगा। अब सुनो, बाय प्रोडक्ट मतलब इंसिडेंटल प्रोडक्शन, इंसिडेंटल प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, ऑफ गुड्स और कमोडिटी। गुड्स और कमोडिटी तो इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना। मैं जब सुगर बनाना चाहता हूं ना तो क्या करता हूं, मैं आपको पता है, सपोज मेरे को सुगर बनाना है, सुगर प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैसे होता है पता है, पहले शुगर केन लाते हैं, शुगर केन समझते हो, गन्ना, गन्ने को प्रोसेस करते हैं, उसका जूस निकलता है, उसको और प्रोसेस करते हैं तो शुगर मिलता है। अब जब इस, ध्यान से सुनना, जब इस शुगर केन को प्रोसेस किया और इस जूस को प्रोसेस किया, तब जूस तो निकलता ही है, जूस के साथ साथ है ना एक और प्रोडक्ट निकलता है जिसको बोलते हैं मोलासिस। मार्केट में ये मोलासिस का भी, मार्केट में आप इसको भी सेल कर सकते हो, बट ये क्या है, ये एक बाय प्रोडक्ट है। मैंने शुगर केन को प्रोसेस इसलिए नहीं किया कि मोलासिस मिले, मैंने शुगर केन को इसलिए प्रोसेस किया कि जूस बन के शुगर बने, बट ये कोइंसिडेंटली बन गया और अब ये बन के मैं इसको चाहूं तो मार्केट में सेल भी कर सकता हूं, मैं ये बन के इसको सेल भी कर सकता हूं, क्या कर सकते हो, इसको सेल भी कर सकते हो, तो ये हो जाता है मेरा सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। समझे गुड, गॉट इट एवरीबॉडी? डन।
तो इसको बोलते हैं सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। कहां पे जाएगा ये सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट? डन 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 भाई लोग, इसी के साथ मेरा कॉस्ट शीट बन चुका है। मजा आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? अगर अभी मैं तुम्हारे को बोलूं चलो कॉस्ट शीट बनाओ तो बना पाओगे? कैसे बनाओगे ये देखो मैं बताता हूं। पहला है समझ लेने का प्राइम कॉस्ट। पहला मेरा प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है बोलो बोलो, चल चल बोलो ना, प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद में क्या आता है मेरा? पहला है प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। सर व्हाई क्रेडिट फॉर रिकवरी सब्ट्रैक्टेड? सुन आयुषी, ये तेरा बाय प्रोडक्ट तू मार्केट में जाके सेल करेगी ना तो तेरे पास पैसा आएगा, बाकी सारे चीजों में तेरा खर्चा हो रहा है, क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट खर्चा है, तो बाकी सब जो भी तेरा खर्चा हो रहा है वो तू ऐड कर रही है, रिसर्च डेवलपमेंट खर्चा, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन खर्चा, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट खर्चा, ये मेरा क्या है? ये मेरा इनकम है क्योंकि मैं ये बाय प्रोडक्ट को बेच रहा हूं भंगार वाले के पास, तो मुझे पैसा मिलेगा वो मैं इधर लेस कर दूंगा। यहाँ पे सब खर्चा चल रहा है, जो चीज मेरे पास अभी इनकम आ गई तो वो बीच में माइनस हो जाएगी ना। आयुषी, ओ आयुषी जैन, आयुषी एंड आयुषी दोनों कंफ्यूज हो गए इस क्रेडिट फॉर रिकवरीज में, समझा क्या आयुषी जैन? वो प्रोडक्ट यूज हुआ है, बेच दिया उसको, बेच दिया उसको मार्केट में ही, बेच दिया उसको, बेच दिया तो पैसा मिला। आयुषी जैन समझा तेरे को? अब ये प्राइम कॉस्ट से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस से प्राइम कॉस्ट बना, इससे इसमें मैं ऐड करूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसमें मैं ऐड करूंगा ओपनिंग WIP, लेस करूंगा क्लोजिंग WIP, तो मुझे मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट, इस फैक्ट्री कॉस्ट में मैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा, इस फैक्ट्री कॉस्ट में मैं QRACP का इंपैक्ट दूंगा, मुझे मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैं ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट दूंगा, मुझे मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मैं जनरल एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इंपैक्ट दूंगा, तो मुझे मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा सेल्स। समझ में आया? थैंक यू।
COS फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये मैंने नहीं लिखवाया क्या? ऐसा कैसे हो गया भाई, लिखवाया ना COS। गाइस इसी के साथ ये COGS बोलता है इसको प्यार से। इसी के साथ मेरा कॉस्ट शीट कंप्लीट। एनी डाउट्स एनीबॉडी गाइस प्लीज टेल मी, इफ नॉट वी विल से चलो एक अच्छा कॉन्सेप्ट अपना दिमाग से क्लियर हो चुका है। अब अपने को करने हैं बहुत सारे सम्स रिलेटेड टू दिस, इजीली हो जाएंगे बिकॉज आर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द कॉस्ट शीट इज वेरी वेरी क्लियर, राइट गाइस? चलो डन, ये हो गया सब लोग का, लिख के एक बार कंफर्म कर देना। चलो भैया, सो अब कैन आई से दैट मेरा कॉस्ट शीट कंप्लीट हो चुका है। मेरी बहुत इच्छा है अब कि मैं तुम लोगों को स्टार्ट करवाऊं मेरी बहुत इच्छा है कि मैं तुम लोगों को स्टार्ट करवाऊं विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहले कुछ और बेसिक चीजों का अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है, फिर ही कर पाएंगे। मतलब अपन लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, तभी बैलेंस शीट PNL और सब हो जाते हैं। उसके नीचे आते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक ₹50,000। अब क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह पे दिखाना पड़ता है, एक PNL अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट में। सो उसका इफेक्ट जाता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, एक तो अपना क्रेडिट साइड PNL ट्रेडिंग में, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में ऐड हो जाता है। सो वैसा ही कुछ यहाँ पे है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो मेरे को तुम्हारे को डिस्कस कर रहे हैं। वंस वो डिस्कस हो गए उसके बाद में एक अश्योरिटी आ जाएगा दैट यस नाउ वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट विद द सन्स। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट। सो नोट अपन लोग लिखते जाएंगे कुछ जनरल पॉइंट्स रिलेटेड टू कॉस्ट शीट। सो नोट इधर लिख देते हैं, जनरल पॉइंट्स रिलेटेड टू कॉस्ट शीट जो अपने को सम करते वक्त बहुत काम में आएंगे। सो जनरल पॉइंट्स रिलेटेड टू कॉस्ट शीट। आई फर्स्ट फर्स्ट इज रिलेटेड टू स्टॉक ऑफ गुड्स, फर्स्ट इज रिलेटेड टू स्टॉक ऑफ गुड्स। सो मेरे पास तीन तरह का स्टॉक होता है गाइस, तुम लोग ने नोट किया होगा, तो मेरे पास तीन तरह का स्टॉक होता है। एक रॉ मटेरियल जिसको मैं प्यार से डायरेक्ट मटेरियल भी बोलता हूं, दूसरा WIP जिसको मैं वर्क इन प्रोसेस बोलता हूं, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद आता है, याद है? जो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद आता है। एंड लास्ट है फिनिश गुड्स। जो आता है आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑल ऑफ दिस याद रखना इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यूजुअली फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू होता है, बाकी बाय डिफॉल्ट दे आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। सो यहां पे लिख के रखते हैं अपन लोग, ये जो भी स्टॉक ऑफ गुड्स है ना, कभी कभी वो आपको देगा रॉ मटेरियल का कॉस्ट, तो याद रखना उस पे वैल्यू करना है ऑलवेज। कैसे वैल्यू करना है वो सब मैं सिखाऊंगा, बट अपने को एक बार फंडा पता हो कि भाई ओके स्टॉक है ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। जिसमें भी अपन लोग बोलेंगे स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली फिनिश्ड गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, समझ रहे? सो स्पेसिफिकली फिनिश्ड गुड्स इज वैल्यूड
एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, इसको हाईलाइट भी कर ले तो अच्छा रहेगा। अभी समझो, देखो कैसे इसको करते हैं, प्रैक्टिकली मैं बताता हूं, ध्यान से समझना है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, समझो अपन बना रहे हैं कॉस्ट शीट फॉर 5000 यूनिट्स, कॉस्ट शीट फॉर 5000 यूनिट्स अपन बना रहे हैं। इसमें क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब मिला के से आ गया मेरा 1 लाख रुपया, ठीक है। जस्ट फिर मैं ऐड लेस करता हूं फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, ये आया से 75,000। तो कहना इसे मेरा फैक्ट्री कॉस्ट हो गया ओपनिंग, समझो ये मेरा हो गया 1,75,000। इसमें मैं ऐड करता हूँ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी लेस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, ये सब मिला के बनता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। टू लैख हो गया। उसके बाद में ऐड करता हूं मैं क्यू आर ए सी पी, ये हो गया 50,000। अब मुझे बताओ क्यू आर ए सी पी ऐड करने के बाद क्या आता है, भूल गए ना फॉर्मेट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, एड ओपनिंग डब्ल्यू आई पी लेस लेस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी नेट फैक्ट्री कॉस्ट, एड क्यू आर ए सी पी, बनता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। करेक्ट आयुषी, ये बनता है मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेलकम टू justdial.com इंडिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना, 2,50,000। समझ में आया एवरीबॉडी? अब क्या बोला है, देखो इधर देखो जरा, फिनिश्ड गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो फिनिश गुड्स, अच्छा चलो, फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, तो अब फाइंड आउट करेंगे अपन लोग, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इज इक्वल टू रुपीज 2,50,000 डिवाइड बाय 5,000 यूनिट्स इक्वल टू रुपीज 50 पर यूनिट, इक्वल टू रुपीज 50 पर यूनिट। अब से फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बोला, देखो अभी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया 2,50,000, ठीक है, आप क्या करते हो, एड ओपनिंग स्टॉक, से 25,000 रुपया है मेरा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, आप कर दोगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अभी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है, अज्यूम करो 2,000 यूनिट्स है फिनिश्ड गुड्स का, इट इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना है, 50 पर यूनिट, तो कितना हो जाएगा ये 2,000 इंटू 50 रुपीज 1 लाख। समझ में आया क्या बेटा, मेन मेरे को यही समझाना था। ओपनिंग स्टॉक भी ऐसे ही वैल्यू होता है, अज्यूम करो ओपनिंग स्टॉक दे दिया, खाली क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपको, खाली इतना दिया है 2,000 यूनिट्स, तो आपको बाय डिफॉल्ट उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट पे वैल्यू करना है। कैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकाला सर, पहले टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला, डिवाइड कर लिया नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तो मुझे मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। समझ में आई बात एवरीबॉडी? डन। बस ये एड लेस करके जो बनता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, से आ गया ये मेरा 1,75,000।
सेकेंड, तो ये एक मेरा जनरल पॉइंट हो गया, समझ में आ गया जनरल पॉइंट क्या था, रिलेटेड टू स्टॉक ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट। दूसरा जनरल पॉइंट ध्यान से समझना, दूसरा जनरल पॉइंट, तुम लोग ने कभी ये बनाया PNL अकाउंट? ऑब्वियसली सर कितनी बार बनाया, हमारा तो दिन रात काम ही यही है। तो PNL बनाते हो जब भी, तो डेबिट और क्रेडिट पे क्या लिखते हो, बताओ बताओ बता, क्या लिखते हो? बस वही अभी मेरा सेकेंड पॉइंट बनेगा, और बताओ बता। ये है फिनिश्ड गुड्स से रिलेटेड जनरल पॉइंट नंबर टू। जब अपन PNL अकाउंट बनाते हैं ना बेटा, तो मालूम है इधर लिखते हैं अपन ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, इधर अपन लिखते हैं सेल्स, इधर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको इक्वेट कर लो, सो वी विल से दैट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस यूनिट्स सोल्ड। समझे आप लोग? याद रखने के लिए PNL अकाउंट दिमाग में रखने का। तो देखो कितना ओपनिंग है प्लस कितना मैं यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो टोटल मेरे पास इतना हो गया। देखो लॉजिकली समझते, आओ इसको लॉजिकली समझते। सपोज मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 1000 यूनिट्स का, मैंने सपोज यूनिट्स प्रोड्यूस किए, सपोज मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस किए से 9000 यूनिट्स, मेरे को बताओ मेरे पास टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, मेरे पास टोटल फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन कितना हो गया, 10000 यूनिट्स का हो गया। इसमें से फॉर एग्जाम्पल मैंने 8500 यूनिट सेल कर दिए, सेल ऑफ फिनिश गुड्स 8500 कर दिए मैंने सेल, मेरे पास क्या बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक बचेगा फिनिश गुड्स का कितना, 2000 यूनिट्स। अब अगर तुम लोग नोट करोगे तो वही तो हुआ, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग प्लस सेल्स। समझी गुड एवरीबॉडी, बराबर है वैसे? तो इसको ऐसा लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, ओपनिंग प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड। ऐसे भी कर सकते हो, ओपनिंग मतलब वो भी है अभी जो बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर है, ओपनिंग प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड लेट्स यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। समझे? बोलो बोलो चल चल। एक एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को, मुझे उसका आंसर दे। समझो ओपनिंग स्टॉक है 10000 यूनिट्स,
समझो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 45,000 यूनिट्स, समझो क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 यूनिट्स, आप मुझे बताओ यूनिट सोल्ड कितना होगा? अच्छा बोलो, बताओ यूनिट सोल्ड कितना होगा? कम ऑन एवरीबॉडी, एक बोल रहा है 40, एक बोल रहा है 50, ऐसे कैसे चलेगा दीदी? लगाओ दिमाग लगाओ, एक ही आंसर बोलो। अच्छा करेक्ट करके 50 बोल दिया, ओके ओके ओके। सो क्या किया सर? 10,000 प्लस 45,000 लेस 5,000 जो अपने को रखना है, बच गया 50,000, यही आंसर है 50,000। ए समझ गए? गॉट इट? करेक्ट 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 करेक्ट, सब लोग का सही जवाब आ गया, डन। अच्छा और एक एग्जांपल देता हूं, तुम लोगों को जवाब देना है मेरे को। स्टार्ट, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है 18,000 यूनिट्स, यूनिट सोल्ड है 75,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक है 9,000 यूनिट्स, आपको मुझे बताना है क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस कितना होगा? हाँ अभी फिलहाल यहां पे प्रोडक्शन का बात चल रहा है आयुषी। For your yes, 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 Ayushi. बोलो कितना आएगा? So can I say 18,000 plus quantity to be produced? मुझे नहीं पता, but कितना मेरे को बेचना है? 75,000. सुनो, 75,000 मेरे को बेचना है, 9,000 मेरे को स्टॉक में रखना है, तो 84,000 चाहिए, but उसमें से 84,000 में से 18,000 है, तो quantity to be produced कितना produce करना पड़ेगा? 66,000. Quantity to be produced 66,000. समझ में आ गया सब लोगों को? Any doubts anybody? Yes, आज का क्लास नोट शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। चलो अब नेक्स्ट, और एक पॉइंट है बिफोर वी सम स्टार्ट करने के पहले मुझे चाहिए अपने सब पॉइंट्स क्लियर रहे यार, ताकि फिर फोकस पूरा सिर्फ सम्स के ऊपर रहे, है ना। थर्ड पॉइंट का हेडिंग दो, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द कॉस्ट शीट। कौन सी चीजें कॉस्ट शीट में कभी नहीं आएगी? They will never form part of cost sheet. Never, ever. बताओ।
स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कॉशन. क्या है ये लिस्ट पता है? ऐसा लिस्ट है जहां पे आप लोग नोट करोगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये आ रहा है बट कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आ रहा है. मैं लिख भी देता हूं ये चीज. मेजॉरिटी ऑफ बिलो लिस्ट इज इंक्लूडेड इन मेकिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स. But excluded while making cost accounts. दा क्या क्या आएगा इसमें देखते जाना. अभी कोई fixed asset purchase या sale किया तो उसके ऊपर profit या loss होगा. कहीं पे भी cost sheet में ऐसा कोई नामो निशान दिखा आपको, फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालू, डायरेक्ट मटेरियल में डालू, या उसको मैं क्रेडिट फॉर रिकवरीज में डालू, या उसको मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डालू, कहीं जगह ही नहीं है उसकी, तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा. लिखो प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट, कुछ भी चीज हो. नेक्स्ट लॉस बाय थेफ्ट और फायर था कहीं पे भी स्कोप नहीं बट फाइनेंशियल अकाउंट में आता है. हाँ ये जैसे प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आता है फाइनेंशियल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में. हाँ यहां पे लॉस by fire slash theft. आयुषी बोल रही है डोनेशन. चल आयुषी ने बोला डोनेशन तो मैंने लिख दिया डोनेशन. यहाँ पे नाम निशानी नहीं था डोनेशन का अपने उसमें. फिर इनकम टैक्स दिखा क्या कहीं पे भी? नहीं आएगा. पेनल्टी या फाइन कहीं पे भी दिखा क्या? नहीं आएगा. कोई भी अबनॉर्मल एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम विल नॉट कम. एनी कॉस्ट रिलेटिंग टू पेंडेमिक स्ट्राइक सब चीजें उसमें पीएनएल अकाउंट में आएगी. सब चीजें इधर कहीं नहीं आएगा. सो एनी अब नॉर्मल या जिसको अपन बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्ट. एग्जाम्पल कॉस्ट relating to pandemic strike etc. So ये सारी चीजें will never form part of this. आयुषी insurance तो आता है ना बेटा, insurance तो आता है ना. देखना अपन लोग ने वो raw material का insurance में add किया था. देख इधर कल का lecture देख, ध्यान दे. देख 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 यहाँ पे देख मैंने ऐड किया था इंश्योरेंस. मैं बताता हूँ तेरे को. ये रहा इंश्योरेंस रिलेटेड टू रॉ मटेरियल. इंश्योरेंस रिलेटेड टू ऑफिस हुआ तो वो जनरल ऑफिस एडमिन में चले जाएगा, है ना. करेक्ट लिख लिया. बोलो बोलो. टेल टेल डन. अब आ जाओ अपने नोट्स के ऊपर, ऑप्टिमाइज्ड पे आ जाओ. देख लेते हैं एक बार ऑप्टिमाइज्ड को भी. कल इधर तक अपन लोग ने देख लिया था, अब ये फटाफट हो जाएगा एकदम. डोंट वरी. ओके अब सबसे पहले
अपन लोग ने प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड किया, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया, तो मिल गया ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। इसमें ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP एडलेस किया तो मिल गया मेरे को वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। अब आ जाते हैं सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स के ऊपर। इसमें इसको वर्क्स, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी प्यार से बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको बोलेगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, तो आपको समझ जाना है कि इसमें क्या आएगा। सर लॉस बाय फायर विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, नो। तो इन शॉर्ट तेरा अगर लॉस बाय फायर हुआ ना तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं देगी तू। सो कैसे होता है ये मैं तेरे को बताता हूँ। देख से फॉर एग्जाम्पल तूने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, तो वो रॉ मटेरियल तो तूने कॉस्ट शीट में ऐड कर दिया। इसमें से कोई रॉ मटेरियल फायर से जल गया, फायर से डिस्ट्रॉय हो गया। से फॉर एग्जाम्पल तूने 10,000 का रॉ मटेरियल कॉस्ट में ऐड कर दिया, बराबर ना, ये तेरे कॉस्ट शीट में ऐड हो गया। अब इसमें से 3,000 का फायर से डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसका कुछ इफेक्ट नहीं देगी। अब तो इसका कुछ इफेक्ट नहीं देगी तो बाय डिफॉल्ट ये जो 3,000 का नुकसान हुआ है वो इधर कॉस्ट में ऑलरेडी एडेड है, तो उधर ही रहेगा, उसका कुछ अलग से और इम्पैक्ट नहीं आएगा। समझा? डन। डन। ओके अभी देखो, इट इज नोन एज वर्क्स, प्रोडक्शन, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ये इसमें कुछ भी आ सकता है। अपन लोग ने तो एटलीस्ट एक लिस्ट बना लिया अपने हिसाब से। यहाँ पे और बड़ा लिस्ट है, तुम लोगों को ऐसे ही टाइम मिले तो देखते रहना। कंज्यूमेबल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ जिग्स, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट्स, ये सब क्या है। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट्स का मतलब मशीनरी का जो रेंट होता है वो, अगर आपने मशीन मंगाया है तो उसका आप रेंट देने वाले हैं, तो वो। अब ये आप बोलोगे सर हायरिंग चार्जेस क्या था, फिर इधर देखो, इधर एक हायरिंग चार्जेस था फॉर स्पेसिफिक इक्विपमेंट, मतलब वो खाली आएगा कुछ स्पेसिफिक डेज के लिए, रहेगा कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्शन करेगा, फिर वो चले जाएगा। ये वाला आपका काइंड ऑफ रेगुलर बेसिस पे रहने वाला है, तो वो लीज रेंट यहाँ पे आता है। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मशीनरी। अभी आयुषी ने पूछा था सर इंश्योरेंस आएगा क्या, देख प्लांट मशीनरी का इंश्योरेंस हुआ तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा, है ना। लैंड रेंट, रेट्स, टैक्सेस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, सच एज टूल रूम, जो स्टोर रूम होता है ना उसका इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, उसमें कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट डालना है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज का कुछ कॉस्ट है, ड्रॉइंग डिपार्टमेंट का कुछ कॉस्ट है, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, वर्क्स मैनेजर, ये सारा का सारा बन जाएगा पार्ट ऑफ वर्क्स ओवरहेड, या जिसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फिर स्टॉक ऑफ WIP, ये अपना हो ही चुका है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एड फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें ग्रॉस वर्क हो गया, एड WIP लेस WIP वर्क्स कॉस्ट। फिर आ जाता है QRACP, जो अपना हो चुका है, याद रखना। इसमें देखना ये क्रेडिट फॉर रिकवरीज को लेस किया है बिकॉज ये एक इनकम जैसा है, ठीक है। तो जब मेरा कोई
जब मेरा कोई डब्ल्यू आई पी खराब हो गया, उसको भंगार में बेचा, तो वो जो पैसा आएगा वो इधर माइनस हो जाएगा, पैकिंग कॉस्ट। फिर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। सर व्हाट अबाउट इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड? गुड क्वेश्चन। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड सर कहाँ पे जाएगा? कहीं पे भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पे उसका कोई मेंशन नहीं, ठीक है। बट अगर आप बोलते हो कि सर मेरा ये डब्ल्यू आई पी खराब हुआ और डब्ल्यू आई पी को मैंने इंश्योर करवाया हुआ और उसका मेरे को पैसा मिल रहा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। मशीन खराब हुआ, मशीन को आप लोग खराब हो गया और वो इंश्योरेंस में रिकवर हो गया, नो इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट शीट। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट मैं तुम लोगों को बता ही चुका हूं, जैसे आईएसओ सर्टिफिकेशन वाला है, रिसर्च डेवलपमेंट वाला है, एडमिन, क्रेडिट फॉर रिकवरीज डिडक्ट होता है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का भी जो भी पैसा आया वो भी डिडक्ट होता है। बाय प्रोडक्ट याद करो, शुगर केन से शुगर बनता है, बट साथ साथ में कोइंसिडेंटली मोलासिस भी बन जाता है, तो वो हो जाता है मेरा बाय प्रोडक्ट। पैकेजिंग कॉस्ट इसमें आ जाता है मेरा प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, सो ये आ जाता है, ठीक है ना। So, ये देखो जोमेटो वाले भी लेकर आते हैं ना, तो वो लोग का जो मेन है जिसके अंदर से, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सब्जी मंगाई, तो सब्जी जो कंटेनर में आ रहा है वो प्राइमरी पैकेजिंग, फिर जोमेटो वाला खुद का कोई अलग से पैकेजिंग पे डाल के ला रहा है तो वो सेकेंडरी पैकेजिंग। समझ में आया? बॉटल फॉर वॉटर, प्लास्टिक पैकेजिंग फॉर मिल्क, बैग फॉर सीमेंट, ये सब इधर आ जाएगा। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैसे करना है अपने को पता है, ओपनिंग प्लस परचेज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग, ये वाला अपना हो गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला तुम लोगों को पूरा बता दिया था। सीओपी में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करोगे तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो सीओजीएस में जब आप एडमिन, एड, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें ऐड कर दोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा ये आपका। तो इसमें पैकेजिंग आ गया, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ओवरहेड्स, कॉस्ट रिलेटेड विद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये भी अपना, ये जनरल एडमिन है, वो था एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये जनरल एडमिन है। सो ऑफिस का डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, बिल्डिंग फर्नीचर है ऑफिस का, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, रेंट, रेट टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस, लीगल चार्जेस ऑफ ऑफिस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफ ऑफिस, लाइट हीटिंग एट ऑफ ऑफिस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस ऑफ ऑफिस, ये सब एडमिन में आ जाएगा। फिर आता है सेलिंग ओवरहेड्स, सैलरी वेजेस ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये आ जाता है सैलरी एंड वेजेस। रेंट डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट, तो समझो सेल्स डिपार्टमेंट का कोई कंप्यूटर है, उसका डेप्रिसिएशन सेलिंग ओवरहेड में जाएगा, याद रखना। सेल्समैन ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेलिंग एंड ओवरहेड में जाएगा। कोई डिलीवरी वैन खरीदा है, उसका डेप्रिसिएशन सेलिंग ओवरहेड में जाएगा, समझे। एंटरटेन एंड एक्सपेंस ऑन कस्टमर, ट्रेवलिंग सेल्समैन एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल्स, आजकल तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया है, सब इधर जाएगा। पैकेजिंग कॉस्ट सेकेंडरी, तो जो प्राइमरी नहीं है वो सब सेकेंडरी पर जाएगा, वो भी इधर आ जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट भी आ जाएगा। एंड लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब मेरे को गुड्स बन गया है, मार्केटिंग भी कर दिया है मैंने अच्छा वाला, अब मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे को एक टीम रखेगा, कुरियर वाला, या फिर से फॉर एग्जांपल मैं खुद का एक गाड़ी खरीद लूंगा, डिलीवरी वैन, उसका डेप्रिसिएशन, ऑल ऑफ दैट विल कम हियर, फ्रेट एंड कैरियेज आउटवर्ड बोलते हैं उसको, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, सैलरी एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज एंगेज इन डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। एंड ये बनता है मेरा पूरा का पूरा कॉस्ट शीट, राइट। ये तो अपन लोग ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। सो ये हो गया मेरा कॉस्ट शीट। यस,
सो ये बनता है मेरा कॉस्ट शीट। फिर कॉस्ट शीट का पूरा ये फॉर्मेट बना ही चुके अपन लोग, समझ में आ ही जाता है अपने को, ये कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने एक एग्जांपल दिया है मोबाइल फोन का, कि मोबाइल फोन के लिए क्या क्या डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट एम्प्लॉय है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, सेल ऑफ स्क्रैप, प्राइमरी पैकेजिंग क्या क्या जाएगा इसमें, सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड। बस हो गया, आई थिंक डन है। ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम एबनॉर्मल कॉस्ट का क्या होगा, सो ये देखो क्या बोला है, सच कॉस्ट आर इरेग्युलर एंड अनयूजुअल, एनी एबनॉर्मल कॉस्ट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट पर्टेनिंग टू पैंडेमिक, सडन लॉकडाउन, कुछ भी हो। सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव अगर कुछ मिलता है आर रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट टू विच अमाउंट पर्टेन्स, ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर आपके रॉ मटेरियल के लिए आपको सब्सिडी मिल रहा है तो वो रॉ मटेरियल में से उतना कॉस्ट माइनस हो जाएगा। आओ ये भी है ना, एक पॉइंट अपन लोग लिख लेते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट, सब्सिडी समझते हो ना, गवर्नमेंट आपको कभी कभी कुछ बेनिफिट देती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई रॉ मटेरियल खरीदना है तो गवर्नमेंट बोलती है रॉ मटेरियल पे हम आपको 20% सब्सिडी देंगे, तो जो सब्सिडी मिल रहा है इट्स लाइक अ डिस्काउंट फ्रॉम गवर्नमेंट, उतना माइनस हो जाएगा। सो एनी ग्रांट और सब्सिडी इज टू बी रिड्यूस्ड, एनी ग्रांट और सब्सिडी इज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉस्ट। ओके, डन, देन वी हैव टू ट्रीट इट इन फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ, इफ सब्सिडियरी इज ऑन फैक्ट्री फॉर एस्टैब्लिशमेंट इन बैकवर्ड एरिया, वाह, तो फैक्ट्री ओवरहेड में से माइनस हो जाएगा उतना जो सब्सिडी मिल रहा है, याद रखना माइनस हो जाएगा, सब्सिडी मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट, पेनल्टी फाइन डू नॉट फॉर्म इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस कॉस्ट, इसको मैं बताता हूँ, डू नॉट इंक्लूड इफ जीएसटी क्रेडिट इज इफ अवेलेबल, ये मैं जीएसटी का अलग से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। इफ अभी ये देखो, ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो अपन लोग सम करेंगे तभी अपने को क्लैरिटी आएगा। क्या है ये देखो, सैलरी पेड टू डायरेक्टर टेक्निकल बाय डिफॉल्ट उसको जनरल एडमिन में डालने का, सो ये लोग पॉइंट लिख देते हैं भाई, समझो आपको कभी दिखा कॉस्ट शीट में कहीं पे सैलरी पेड टू डायरेक्टर जनरल तो उसको कहां पे डालने का बेटा, एज जनरल एडमिन, डायरेक्टर टेक्निकल फिर Do not include income tax and donation. ये हो गया बात। Provision for bad debt discount ये सब भी नहीं आएगा। So, इधर मैं point number G डाल देता हूँ ना। Provision for bad debt, provision for discount
नहीं आएगा। इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट शीट। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस एड टू डायरेक्ट वेजेस। अच्छा भाई, अगर कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस दिखा तो चुपचाप उसको वेजेस में ऐड कर देना। स्टैंडिंग वेजेस टू बी एडेड टू डायरेक्ट वेजेस। ये पॉइंट भी हो गया। इफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज निल, देन कॉस्ट ऑफ पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, जब मैं सम करवाऊंगा तब समझेगा, बट फिर भी एक पॉइंट लिख लेते हैं, रिवीजन के टाइम पे काम आ जाएगा। सॉरी, इसका इंटरप्रिटेशन मैं यहां पे बताता हूं। समझो आया इधर क्या बोला है, देखो इफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज निल देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस अपन लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक करते हैं। सपोज ये है निल जीरो, देन ये ओपनिंग स्टॉक निल है, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट। समझे? डन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज निल। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस। ये लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, लास्ट पॉइंट ऑफ कॉस्ट शीट। इसके बाद अपन फ्री है सम सॉल्व करने के लिए, सुनना ध्यान से। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस टू बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ ऑफिस एडमिन, ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। इंस्टीट्यूट ने कुछ कुछ जगहों पे इंटरेस्ट एंड एडमिन चार्जेस को इग्नोर किया है, कुछ कुछ जगहों पे इंक्लूड किया है ऑफिस एंड एडमिन में। अपन इंक्लूड करेंगे और एक नोट लिख देंगे। ओके, कुछ कुछ सब में मैंने भी इंस्टीट्यूट के जैसे ही बुक में भी तुमको देखो कि एक्सक्लूड किया है, बट कोई प्रॉब्लम, डरने का बात नहीं। अपन लोग एक स्टैंड ले लेते अपन, क्या एड टू ऑफिस एडमिन एंड राइट अ नोट इट इज स्पेसिफिकली इंक्लूडेड। सिंपल। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या जो भी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या जो भी है, तो क्या आएगा इसका, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ ऑफिस एडमिन। ठीक है, राइट अ नोट इन एग्जाम, ये भी मैं तुम लोगों को बता देता हूं। एंड विद दिस कॉस्ट शीट का थियोरेटिकल पार्ट, कॉन्सेप्ट पार्ट कंप्लीट। मजा आया तुम लोगों को? कोई डाउट किसी को भी? कैन आई से वी आर नाउ ऑल सेट टू सॉल्व द सम्स? कुछ एडवांटेजेस है जो मैं तुम लोगों को बताते गया, तुम लोग इसको रीड कर सकते हो। फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ, क्या फायदा होता है कॉस्ट शीट बनाने से? कॉस्ट एस्टिमेट बना सकते हैं अपन, किसी को कोटेशन सबमिट करना है तो उसके लिए कॉस्ट चाहिए, वो आ गया। सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड करने के लिए, कंपैरिजंस करने के लिए दो फर्म्स में, ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट शीट। ठीक है, चलो डन 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 गाइस। किसी को कोई डाउट? अब जो भी आएगा डाउट, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सम्स आगे करेंगे तब जो भी डाउट है आपके सब सॉल्व करते जाऊंगा मैं, एंड वी विल एंश्योर दैट वी गेट द मैक्सिमम इन दिस टॉपिक। टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता फॉर टुडे, बिकॉज अब अपना सखा तो हो गया। मैं सम अब स्टार्ट करूं तो कोई मतलब नहीं है, उससे अच्छा कल फ्रेश माइंड से करेंगे। तो कल एक बार पहले पूरा कॉस्ट शीट रिवाइज कर लेंगे और फिर अपन लोग उससे रिलेटेड सम्स भी स्टार्ट कर देंगे। हास्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।